में बहुत बहुत रहते हैं, तो आप रात को सोते वक्त एक तो सीने पर उमर लिखा करें, और इसके साथ साथ सीने में बोझ रहता है तो आप क्या करें, सूरह अलम नशरह अव्वल आखिर दूसरे के साथ 7 मरतबा पढ़कर अपने सीने पर दम करें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे मोहतरम, कौन और कहां से कॉल कर रहे हैं, उम्र और वजन कितना है? जी मैं सैयद वाजिद अली साहब बात कर रहा हूं जी। माशाल्लाह सैयद वाजिद अली साहब, खैरियत से आप ठीक हैं जी? सवाल कीजिए। अच्छा जी, सवाल ये है कि मेरा सीना बहुत भारी रहता है रात को, और जब ऐसे जब खाना खाता हूँ तो उसके बाद ये नहीं जैसे लगता है जैसे मेरा सांस बंद हो जाएगा। तो कल मेरे कार्डियोलॉजी की अपॉइंटमेंट भी है, वो कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि आर्टरी का तो मसला है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। दूसरा ये कि मैं कलौंजी का तेल लेके आया था, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप क्या नाम है उसको एज ए मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, तो मुझे समझ नहीं आ रही वो कैसे इस्तेमाल करें। वाला नहीं होगा ना, देखिए डिपेंड करता है कि कलौंजी का तेल आप कौन से वाला इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आप मैं आपको सीने में जो आपका जोर पड़ता है या वजन पड़ता है, तो खाने के बाद रात को क्या करते हैं, कोई वॉक करते हैं आप? नहीं, मैं खाना बहुत अभी खा लेता हूँ, 5-6 बजे खा लेता हूँ खाना। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या रूटीन है? उसके बाद तो ये कि मगर बस्तर के माँ भी शाह के माँ पढ़ के सो जाता हूँ। बस बस सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं? नहीं टीवी नहीं देखता, बस इबादत करता रहता। चलो अल्लाह सलामत रखे। नहीं, इबादत के साथ साथ सेहत बहुत जरूरी है। हकीम लुकमान फरमाया करते थे, रात का खाना खाओ और चलो, चाहे तुम्हें घंटों पर क्यों ना चलना पड़े। रात का खाना खाकर चले, और दूसरा रात को एक तो माशाल्लाह पढ़ लिख लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा चला करें बाहर जाकर, थोड़ा सा फ्रेश एयर में थोड़ा सा लंबे सांस लिया करें, अपनी स्ट्रीट में अपनी गली में थोड़ा सा लंबे लंबे सांस। अब तो इंशाल्लाह मस्जिदें भी खुल जाएंगी, तो इंशाल्लाह मस्जिद की तरफ फिर निकल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ सीने पे बोझ और सीने पे जो वजन पड़ता है इसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सैयद वाजिद अली साहब, इनके सीने में बहुत बहुत रहता है, तो आप रात को सोते वक्त एक तो सीने पर उमर लिखा करें, और इसके साथ साथ सीने में बोझ रहता है तो आप क्या करें, सूरह अलम नशरह अव्वल आखिर दूसरे के साथ 7 मरतबा पढ़कर अपने सीने पर दम करें। इसके साथ साथ सीने पर कलौंजी का तेल लगाएं। इसके साथ साथ आप जो है लंबे लंबे सांस लिया करें। और बार बार एक और हमारे कॉलर है, इनकी बार बार पेशाब आता है, 65 उनका वजन है, 60 केजी इनका वजन है, 65 इनकी उम्र है, 60 केजी इनका वजन है, बार बार पेशाब आता है। मैंने इसका जिक्र किया था रिपीट प्रोग्राम में, आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी जिक्र कर देता हूँ। अनार का छिलका, इसको ड्राई करके इसको ग्राइंड कर लें, और एक चम्मच जो है रात को, एक टी स्पून रात को हल्दी वाले पानी के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा।